क्या बात है? टेंशन हो रही है? मुझे किस बात की टेंशन? तुम्हें 2 दिन से टॉर्चर कर रहा है, मुझे तो 3 सालों से टॉर्चर करता आ रहा है। उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। इतना टॉर्चर किया उसने, लगता है कि उसे गोली मार दूँ। मेरे आदमियों को मारा, मेरे गोदाम में आग लगा दी, घर पर आकर झगड़ा किया, हाथ पकड़कर बाहर ले गया, बात यहां तक पहुंच गई। उसको कुछ करते क्यों नहीं, ये बात सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं। उनको पता नहीं है ना, उसके ऐसा बनने के पीछे मेरी बेटी है। सारी गलती मेरी बेटी की है। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? चुप, अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। अपनी बेटी को बुरा कहे ऐसा कोई भी बाप नहीं हो सकता। मैं भी वैसा ही हूं। अगर मैं उसे कुछ करूं तो उसके पास कौन सी फोटो है, कौन सी वीडियो है, किस दीवार पर लगा दे, ये सोचकर कुछ नहीं कर रहा हूं। 2 दिन में तुम्हारा पति आ रहा है, उसे ये सब पता चला तो पता नहीं क्या होगा। आप महेश के बारे में कुछ भी मत सोचिए, मैं उसे मैनेज कर लूंगी। मुंह बंद कर, बदतमीज कहेगी। मैनेज कर लोगी? क्या कर लोगी? शिवा के साथ तुम पूरे गांव में घूमी हो और शादी उसके साथ की हो, यही बोलोगी तुम उसको? तुम्हारे जैसी लड़की को तो घर से बाहर एक, गांव से बाहर एक, मेन रोड पर एक, माँ के गांव में एक, बाप के गांव में एक, और शादी करने के लिए एक होना चाहिए। ऐसे लोगों में से सिर्फ एक होता है जो सिंसियरली प्यार करता है। हमारी किस्मत खराब थी कि हमें ये मिला। पूछा जाए तुमने ये क्यों किया तो तुम बोलोगी मस्ती के लिए किया। मस्ती के लिए किया ये? अपनी मौज के लिए, अपनी मस्ती के लिए तुमने उसे सजा दी? तुम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो, वही बाद में इतनी बड़ी गलती हो जाती है, फिर ये तुम्हारे माँ बाप का पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती। बस कीजिए, आपको पता ही था तो जब मैंने महेश से शादी करने की बात की तो क्यों तैयार हुए? अपनी इज्जत के लिए हुआ। एक बाप की जगह पर रहकर जरा सोचो, इन दोनों में से कौन बेहतर रहेगा ये सोचकर महेश से तुम्हारी शादी करवाई। स्वार्थ बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी रहे यही स्वार्थ था। एक बाप था ना मैं, अब कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। तुझे मेरी एक मदद करनी होगी काशी। बातों से बात बन जाए तो मारपीट क्यों करूं ऐसा सोचा था मैंने, पर अब ऐसा नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई है कि उसे मारना ही पड़ेगा। 2 दिनों में मेरा दामाद आ रहा है, उसके सामने भी अगर ऐसे हालात रहे तो अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचकर डरता हूं। अब शिवा को रोकना मेरे बस की बात नहीं रही काशी, क्या करूं मैं? इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें जिता दूंगा, ये रेती का धंधा भी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। आज तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मार देते हैं। उसे मार दोगे? मैं तो पहले ही कह रहा था, मेरी बात नहीं सुनी तुम लोगों ने, घर तक लेकर आ गए उसको, अब तो मेरी बात मान लो। मारना वरना ठीक नहीं होगा। तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता हूं, बस मेरे दामाद और मेरी बेटी के गांव से जाने तक वो इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। सुनो, जाओ उसे ढूंढो, वो कहीं भी मिले उसके हाथ और पैर बांध कर अपने गोडाउन में लेकर आओ। ठीक है भाई। को देखा क्या? नहीं देखा भाई। शिवा को इधर देखा क्या? नहीं भाई। उधर हो सकता है, चलते उधर। We'll be right back.
अभी तक तो नहीं रोक पाया, कल से क्या रोक पाएगा? मुझे क्या करना है मुझे पता है। झोपड़े में है भाई, आज नहीं छोड़ेंगे उसको। किसने भेजा, विश्वनाथ ने या फिर काशी ने?
हटाओ जल्दी। तुझे यहाँ से किसने भेजा है? उन दोनों में से किसी ने नहीं, विश्वनाथ की बेटी इंदु ने। ए, तुझसे बात करनी है। मैं समझ गया। क्या बोल रहा है तू? आखिर इंदु मुझे मारने के लिए क्यों बोलेगी? मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, उसी ने बोला है, उसी ने। ध्यान से सुनो, वो किसी भी हालत में मर जाना चाहिए। मार डालो उसको, समझ गए ना? हेलो।